The question given is to find the smallest natural number by which 1200 should be multiplied so that the square root of the product is a rational number. तो पहले हम देखते हैं कि 1200 में से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. तो अगर हम देखें ये 1200 के रूट्स लिख लेते हैं, तो पहले इसको 2 से डिवाइड करें तो 600, फिर वापस 2 से डिवाइड करें तो 300, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 150, 2 से वापस मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे 75 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 से करने पे 5 एंड देन वापस 5 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 1200 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 2 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वेयर इंटू 3. तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. दैट मीन्स 1200 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर. तो हमें इसका स्क्वेयर रूट निकालना है. तो स्क्वेयर रूट ऑफ 2 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर इंटू 5 इंटू 3, दैट इज 4 इंटू 5 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 60. सो हमारा परफेक्ट स्क्वेयर है, परफेक्ट स्क्वेयर इज 3600. स्क्वेयर रूट इज 60. और जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो होगा 3. सो दिस इज आवर आंसर.